अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने सिर चरणों में उनको स्थान दे। ओम शांति। माननीय धनेन्द्र साहू जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम सब सदन में पूर्व विधायकगण आदरणीय श्री हीरा सिंह मरकाम जी, आदरणीय श्री पूरनलाल जांगड़े जी, आदरणीय श्री लाल महेंद्र सिंह टेकाम जी, आदरणीय श्री घनाराम साहू जी को इस सदन में श्रद्धांजलि देने खड़े हुए हैं, उनको मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मध्य प्रदेश में भी इन तीनों विधायकों के साथ काम करने का अवसर मिला था और छत्तीसगढ़ में भी। हीरा सिंह मरकाम जी बहुत ही, उनके जो व्यक्तित्व तो था काफी सादगीपूर्ण होता था, लेकिन उसके विपरीत ही वे उतने ही संघर्षशील थे। और आदिवासी समाज में, चाहे मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य इलाके हो या हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य इलाके, जबरदस्त उनका जन समर्थन आदिवासी समाज में था और सदैव आदिवासी हितों के लिए वे संघर्ष करते रहे, उन्हें भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही श्री पूरनलाल जांगड़े जी, लाल महेंद्र सिंह टेकाम जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्री घनाराम साहू जी से बहुत लंबे समय से मेरा संपर्क था, मैं पहली बार उनसे मिला तो सिर्फ इसलिए मिलने गया था कि उसके बारे में जब मैंने सुना कि ये 25 साल की उम्र में निर्दलीय चुनाव जीता है, और वो भी उस समय हमारे दुर्ग जिले में राजनीति के जो सबसे बड़े विख्यात व्यक्तित्व थे वासुदेव चंद्राकर जी, उनको हरा करके वो बने, तो वो व्यक्ति कैसा होगा। मैं उत्सुकतावश ही उनसे मिलने के लिए उनके गांव जा करके उनसे पहली मुलाकात उनसे किया था, और उसके बाद भी उन्होंने सन 70 में फिर दोबारा विधायक बने। जब वो 72 में बने तो सिर्फ 25 वर्ष के थे, काफी कम वोट से जीते थे, लेकिन 98 में, लगभग 1998 में जब तीसरी बार विधायक बने तो काफी मतों से जीते, 69,000 वोट से। उस समय जीतना एक काफी बड़ी उनकी लोकप्रियता को साबित करता है कि वो अपने गुंडर देवी विधानसभा में भी काफी लोकप्रिय रहे। 70-80 के दौरान लगभग मुझे याद आता है कि वो अविभाजित मध्य प्रदेश में साहू समाज के अध्यक्ष थे, तो सामाजिक दृष्टिकोण से भी उनकी बड़ी भूमिका रही समाज में। राज्य विभाजन के बाद में कृषि आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी उन्हें काम करने का अवसर मिला था, और किसानों के हितों के लिए वो लगातार उन्होंने काम किया है। आज बहुत सरल हृदय के व्यक्तित्व के धनी थे वो, और काफी लंबे समय उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। आज वो हम सब लोगों के बीच में नहीं रहे। आज इन चारों पूर्व विधायकगणों को मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। माननीय रमन सिंह जी।